दोस्तों, यदि आप एक 8000 से 9000 रुपए के बीच में है, यदि आप एक अच्छा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी A10 की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल प्राइम टीवी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज हम जब भी अपलोड करें आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आज के मैं टॉप 5 डील्स के बारे में बताने वाला हूं, तो यदि आप उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी हुई है, तो आप वहां पे क्लिक करके आप वो प्रोडक्ट डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, आज की पहली डील है बोट का सुपर एक्स्ट्रा बेस ईयरफोन, जिसकी MRP है 999 रुपए, लेकिन ये आपको मात्र मिल रहा है 549 रुपए में। दूसरी डील है एचपी का लैपटॉप, जिसका कॉन्फ़िगरेशन आपको डिस्प्ले में दिख जाएगा और इसका MRP है 42,000 रुपए, ये आपको मात्र 38,990 रुपए में मिल जाएगा। तीसरी डील है लेनोवो आइडियापैड 330, जिसका कॉन्फ़िगरेशन आपको डिस्प्ले में दिख जाएगा, इसकी MRP है 66,190 रुपए, ये आपको मात्र 43,990 रुपए में मिल जाएगा। चौथी डील है रियलमी U1, जिसका MRP 12,999 रुपए और ये मात्र आपको 9,999 रुपए में मिल जाएगा। आज की आखिरी डील है मिवी का डुअल पोर्ट अडैप्टर, जिसकी MRP 1499 रुपए, ये मात्र आपको 449 रुपए में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा सैमसंग गैलेक्सी A10। यदि इसके वेरिएंट की बात करें तो ये सिंगल वेरिएंट में आता है, 2GB रैम 32GB इंटरनल मेमोरी के साथ में, और यदि इसके प्राइस की बात करें तो इसमें MRP दी हुई है 9,600 रुपए, लेकिन ये मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाता है 8,500 रुपए में। यदि आप इस फोन को परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए हम मोबाइल उसको बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले मोबाइल फ़ोन देखने को मिलता है, इसको हम साइड में रख देते हैं अभी, और यहाँ पे हमें बॉक्स मिलता है एक। तो इस बॉक्स में हम देख लेते हैं, कुछ हमें यूज़र मैनुअल्स दिए हुए हैं इसमें, इसके साथ में हमें कोई भी बैक कवर नहीं मिला है, इसको हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पे हमें एक माइक्रो USB पावर केबल दी हुई है, और यहाँ पे हमको अडैप्टर मिल जाता है। इसमें जो अडैप्टर है, 5 पार्ट का अडैप्टर दिया गया है, और साथ में एक सिम एग्जैक्ट टूल मिलता है। तो चलिए अब हम मोबाइल को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा सैमसंग गैलेक्सी A10। तो आप यदि देख रहे होंगे तो इसमें जो नॉच दिया हुआ है, इन्फिनिटी वी नॉच दिया हुआ है इसमें, और इसकी जो डिस्प्ले है ये तो 6.2 इंच की फुल रेक्टेंगल डिस्प्ले है। यदि कॉर्नर वाइज देखें तो 6.1 इंच का ये HD+TFT डिस्प्ले है इसमें दिया गया है। और यदि बात करें इसके आइकॉन्स के, तो ये सेम जो A50 में आइकॉन्स जो नए दिए गए थे, सेम इसमें भी वैसे ही आइकॉन्स दिए गए हैं। और यदि बात करें इसके कैमरे की, तो इसमें जो फ्रंट कैमरा है ये 5 मेगापिक्सल का 2.0 अपर्चर के साथ में कैमरा दिया गया है, और ये बैक में जो कैमरा दिया गया है इसमें 13 मेगापिक्सल का 1.9 अपर्चर के साथ में दिया गया है। और यदि बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें भी एंड्रॉयड पाई सैमसंग वन UI ऑपरेटिंग बेस्ड सिस्टम दिया गया है इसमें। और यदि बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें एक्सनस 7884 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। और यहीं पे बात करें इसके बैटरी लाइफ की, तो इसमें 3400 mAh की बैटरी दी गई है, और ये मोबाइल फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। तो चलिए इसका कैमरा ओपन करके देख लेते हैं कि इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। तो ये देखिए, जैसे कि उसमें A50 में आपने देखा था कि A50 में उसमें स्लो मोशन का ऑप्शन दिया गया था, और एक्स्ट्रा में यहाँ पे एक आइकॉन दिया गया था ब्लू कलर का, जिसके लिए मैंने आपको बताया था ऑप्टिमाइजेशन वाला, वो भी इसमें नहीं दिया गया है। तो इसमें एक फीचर ज़रूर दिया गया है, इसमें 2x ऑप्टिकल जूम इसमें दिया गया है। तो यदि आप किसी भी सब्जेक्ट का यदि क्लोज शॉट लेना चाहते हैं उसी जगह पर खड़े होकर, तो आप इस बटन पर क्लिक करके उस सब्जेक्ट का क्लोज शॉट ले सकते हैं। यदि कोई भी कीपैड फ़ोन से अपग्रेड होकर के स्मार्टफोन परचेज़ करना चाहता है, तो ये उसके लिए बहुत ही बेटर फ़ोन है, प्राइस के मुकाबले में भी और इसके फीचर्स के मुकाबले में भी। तो यदि आप एक 8 से 9 हज़ार रुपये तक की रेंज में यदि कोई फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ़ोन है, आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक पहुंच सके। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे प्राइम टीवी टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। जय हिंद।